हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायके में तड़का। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं सूजी के एकदम करारे गर्मा गर्म पकौड़े। आपने आलू प्याज के पकौड़े तो इस सीजन में बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे सूजी के पकौड़े जो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इन्हें एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो चलते हैं, सूजी के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बोल। अब हम इसमें डालेंगे रवा। तो रवा मैंने यहाँ पे जो हलवे में रवा यूज करते हैं वही लिया है। ये कम से कम 8 टेबल स्पून रवा है। रवा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज का प्याज मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें एक डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़े से करी पत्ते। तो करी पत्ते जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये एकदम सूखे करी पत्ते हैं। आप फ्रेश करी पत्ते आपके पास हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करी पत्ता को तोड़कर डाल रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच का जीरे का इस्तेमाल किया है। थोड़े से चिली फ्लेक्स, तो ये चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी तीखे नहीं है। अगर आपकी हरी मिर्च तीखी है तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर दीजिए। धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। तो एकदम खट्टा दही नहीं है, एकदम सादा दही है ये। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप उसमें जरा सी 1/4 चम्मच के लगभग शक्कर डाल दीजिए, तो जिससे आपके पकौड़े एकदम खट्टे नहीं बनेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। डो हमें बहुत ज्यादा एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं बनाना है, तो इसमें लगभग मैं 4 टेबलस्पून के पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे। बैटर है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमने इसमें लगभग जितना रवा लिया था उतना ही हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे रवा जो हमारा है वो अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ऐसी है। थोड़ी देर में ये जरा सा थिक हो जाएगा। बैटर को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। रवा हमारा अच्छे से फूल चुका है। हम एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। एकदम पकौड़े बनाने के लायक इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। हमें ऊपर से बिल्कुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं है, इससे हमारे पकौड़े बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। चलिए अब हम पकौड़े सेकने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक टूथपिक की हेल्प से ऑयल चेक कर लेते हैं। बबल्स आने लगे हैं नीचे से, मतलब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हाथों की हेल्प से पकौड़े डालना शुरू करते हैं। तो पकौड़ों का साइज आप जो चाहें वो रख सकते हैं, तो मैं इस साइज के छोटे छोटे पकौड़े तोड़कर डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के पकौड़े डालें, जिससे कि आपस में चिपके ना। लगभग 2 मिनट तक हम पकौड़ों को नीचे से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जिससे कि ये ऊपर तक इनमें एक जो बाइंडिंग है वो बंध जाए। तो अगर हम कच्चे में पकौड़ों को पलट देते हैं तो ये पकौड़े टूट जाते हैं, इसलिए कोशिश ये करें कि 1 से 2 मिनट तक ऑयल में जाने के बाद इन्हें सिकने दें। गैस हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखनी है। हल्के हाथ से बिल्कुल नीचे से पलटेंगे। पलट पलट कर पकौड़ों को हमें अच्छे से सेकना है, जब तक इसमें बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए और ये अंदर से सिक ना जाए। पता
पकौड़े हमारे सिक चुके हैं, इनमें बढ़िया सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई के साइड में इन्हें लगभग आधा मिनट तक होल्ड करेंगे कि जिससे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब इसी तरीके से जो हमारा बाकी का बचा हुआ बैटर है हम उसके भी पकौड़े सेंक लेंगे। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म एकदम सूजी के पकौड़े बनकर तैयार हैं, जिसे बनाने में हमें सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगा है। और देखिए कितने करारी, कितने टेस्टी सूजी के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।